चंदनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। राधा की भाभी कमला स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी ऐरे गहरे से हो जाए तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो राधा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन कमला बाजार जा रही थी, रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है, अगर मैं इस भिखारी से राधा की शादी कर दूं, तो हम उस आफत से छुटकारा पा लेंगे और हमें एक रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सिर से बल अटल जाएगी, फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था, तभी वो योगेश से बोली, योगेश मैंने अपनी राधा के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है, अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कमला लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में, तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भाभी हूँ, माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो, भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढ कर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम सोहन था। ये सारी युक्ति कमला की ही थी। उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे खानदान का लगे। सोहन तैयार होकर घर आ जाता है। सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। सोहन पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। मुझे याद आ गया, तुम्हारी माता जी से मेरी बात हुई थी, 50,000 रुपए। बहुत बढ़िया, तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊँगा और अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। राधा मेरी इकलौती बहन है। अरे आप भी कैसी बातें करते हो, हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा सोहन उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं छुपाता, वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और ये है सारी सच्चाई राधा, तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो पर आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ हैं। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी, मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। राधा सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। सोहन और राधा मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो राधा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसी को बेच कर वे गुजारा करते थे। एक दिन सोहन और राधा जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हुए थे, अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए, तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं एक गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। राधा और सोहन किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था
गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहाँ नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो। सोहन उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ हाँ, सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन राधा को देखकर बहुत खुश था, पर कमला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियाँ की थी उनकी वो सजा भुगत लेगी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, ऐसा न कहो आप, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधा वापस अपने घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता